Chappelle Cut. वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस. आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास फिफ्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15. देखिए, यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल एंड राइट इट डाउन. देन टेल वेदर ईच एंगल इज राइट एक्यूट और ऑब्ट्यूस. इसमें हमें प्रोटेक्टर का यूज करना है और फिर फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल यहाँ पे मतलब राइट है एंगल, ठीक है, एक्यूट है और ऑब्ट्यूस है. कल मैंने जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने सबकी डेफिनेशंस आपको समझाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ये हमारे एंगल है तो ए नंबर वाला आपका एक्यूट एंगल है, बी नंबर वाला ऑब्ट्यूस एंगल है और सी नंबर वाला एक्यूट एंगल है. ओके, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट और ये ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल है. अब आते हैं हम सिक्स नंबर वाले क्वेश्चन पे. मेजर इच एंगल टिक द एंगल. ठीक है, देखिए हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल, ये तीन एंगल है. अब आते हैं सी नंबर वाले क्वेश्चन में. देखिए, मेजर इच एंगल टिक द एंगल विच इज स्मॉलर इन द फॉलोइंग पेयर्स. इसमें से कौन सा स्मॉल है ये पेयर्स में हमको देखना है. अब देखिए, दो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन सा वाला छोटा है? सेकंड नंबर वाला आपको खुद दिखाई दे रहा है. इसमें से आप देखिए, आपको खुद दिखाई दे रहा है छोटा नंबर वाला आपका कौन सा है. ये देखिए, इसमें स्मॉलर आपको बताना ए नंबर वाला, क्योंकि देखिए इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा. ये राइट एंगल है तो ये बी का फर्स्ट नंबर वाला आपका क्या है? छोटा एंगल है. आगे, यूज अ प्रोटेक्टर, ड्रॉ द फॉलोइंग एक्यूट एंगल्स इन योर नोटबुक. अब आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है और उससे ये बनाना है, ठीक है. ये कैसे बनते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल्स, इसका वीडियो में आपको मतलब जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें लिंक शेयर कर दूंगी, उसे देखकर आप इजिली एंगल्स बनाना सीख सकते हैं. यहाँ पर देखिए, अब हमारा यहाँ पर भी आपको एंगल बनाना है, इसमें भी आपको एंगल बनाना है. 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री. अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री हमें बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है तो इसमें आपका कौन सा है? 35 और 55, 28 और 68, ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब सप्लीमेंट्री इसमें कौन से हैं? मैं आपको एंगल दिखाती हूँ. देखिए, तो इसमें से हमें सभी सप्लीमेंट्री एंगल निकालने हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल आपका ए नंबर वाला है 145 और 35 वाला, और डी नंबर वाला है आपका 110 और 70 वाला, ठीक है. लेकिन ये सब हम करने से पहले मैं आपको पहले डेफिनेशन समझाना चाहती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की. ओके, ये देखिए यहाँ स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब जो पेयर होती है एंगल्स की उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू इच अदर इफ द सम ऑफ देयर मीजर इज 19. मतलब जो जिनका मीजर है, इसमें लिखा टू इच अदर, मतलब एक दूसरे का मीजरमेंट अगर, ठीक है, दोनों का प्लस होने पे इफ द सम ऑफ देयर, मतलब उनका जो सम है कितना आना चाहिए? 90. तो उसमें से एक क्या होगा? आपका राइट एंगल होगा. अब सप्लीमेंट्री एंगल, अब पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू इच अदर इफ द सम ऑफ देयर मीजर इज 180. सप्लीमेंट्री में क्या होगा? 80 आएगा दोनों का मेजरमेंट, ठीक है, और इसमें क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आएगा, ठीक है, और वो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा. और इसमें क्या होगा? 1, इसमें से 1 एक राइट एंगल होगा, और इसमें से क्या होगा? एक यहाँ पर मतलब जो आपका है स्ट्रेट एंगल होगा, उसमें लिखा हुआ है ना, जिसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ई का मतलब होता है एग्जाम्पल, 1 राइट एंगल, और इसमें भी एग्जाम्पल दिया कि 1 स्ट्रेट एंगल, मतलब इसमें से होगा नहीं. एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जाम्पल है वो क्या है? राइट एंगल, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? राइट एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? स्ट्रेट एंगल. ओके, 1 राइट एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 1 स्ट्रेट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. अब इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट देना है तो हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो 90 में से 52 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 38, ठीक है. और इसी तरह से 18 को माइनस करेंगे 15 को और 57 को. जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए अगर मैं लिखूं तो 90, क्योंकि राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, अभी मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई, तो 90 में से हम 52 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 38. ऐसी 30 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? राइट द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. अब इसमें से हमें बताना है 50, 45, 118, 112. तो 180
में से हम क्या करेंगे 50 माइनस करेंगे तो 130 बचेंगे, ये क्या है इसका एंगल है, ठीक है। 50 बचेंगे मतलब 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 बचेंगे। आगे वाला, इफ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर बाइसेक्टेड व्हाट विल बी द मेजर्स ऑफ द बाइसेक्टेड एंगल्स। अब इसमें बाइसेक्टेड एंगल्स निकालने हैं, बाइसेक्टेड के लिए क्या करेंगे हम, जितना भी मतलब नंबर्स का या जितनी भी डिग्री का एंगल दिया गया है उसमें दो का भाग देंगे। देखिए इस तरह से द मेजर्स ऑफ द बाइसेक्टेड एंगल्स, तो यहाँ पे क्या था 85 था, 85 में मैंने क्या करा दो का भाग दे दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा 42.5। इसी तरह से आपको 100 का भाग देना है, फिर 90 का भाग देना है और फिर 60 का भाग देना है। इसके बाद आते हैं हमारा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर वाला, ये देखिए इसमें इफ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर ट्राइसेक्टेड व्हाट विल बी द मेजर्स ऑफ द ट्राइसेक्टेड एंगल्स। अब हमें ट्राइसेक्टेड एंगल्स निकालने हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 36, तो 36 को हम क्या करेंगे 36 में हम 3 का डिवाइड देंगे, ठीक है, क्योंकि ट्राइसेक्टेड लिखा हुआ है तो 36 में 3 का डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखो आप द मेजर्स ऑफ द ट्राइसेक्टेड एंगल्स 36 में 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा 12, ये हमारा आंसर है। आगे अब यहाँ पे जो हमें दिया गया है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है बाय डिवाइडिंग इट इनटू फोर इक्वल्स पार्ट, फोर इक्वल्स पार्ट में, और ड्रॉ एन एंगल ऑफ 22:1/2, इस तरह से आपको ड्रॉ करके उसे पार्ट में डिवाइड करना है। यूज प्रोटेक्टर और ड्रॉ एन एंगल्स ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड ट्राइसेक्ट द एंगल, 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है और उसको ट्राइसेक्ट करना है, ट्राइसेक्ट मतलब उसमें तीन भाग होने चाहिए, उसे बोलेंगे ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर मैं कुछ इक्वल पार्ट्स में देखिए, सो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये ट्राइसेक्ट मतलब तीन भागों में उसे बांटा है, ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब वही होता है। अब आगे जो हमारा यहाँ पे लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ओपी सीम्स टू बी द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ए बी सी, ठीक है। इसमें से हम सी वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इसमें तो ये आपका लिखा हुआ है कि ओपी सीम्स टू बी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिकॉज इट बाइसेक्ट एंगल ओ ए ओ बी इन इक्वल टू पार्ट्स। यहाँ पे ये देखिए टू पार्ट्स में उसे क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ओपी दिख रहा है आपको कौन से, ये जो आपका एंगल बना हुआ है कौन सा ओ, यहाँ पे देखो आपका एंगल बना हुआ है ना ए ओ बी वाला, इसको ये कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, जो ये मैंने आपको एक क्लेरिफिकेशन दिया है उसे इसके साथ इस एंगल के साथ में आपको अपनी पेयर कॉपी में लिखना है ये ऊपर वाले को, ओके। चेक योरसेल्फ आपको खुद करना है, बाय योरसेल्फ, ओके। यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थैंक यू एंड बाय।